ऊटी चाय बागान में रात्रि विश्राम और ये भोर का दिलकश दृश्य मन लुभावना। ये बादल सूरज की लालिमा दिल खुश हो गया। ये सामने सुरंग, यहाँ पर मैं बस से उतर गया था, उसके बाद ही सुरंग को पैदल पार करने लगा। अभी हम कुन्नूर से 3 किलोमीटर पहले जो सुरंग है वहाँ पर है। ये सुरंग लगभग 72 मीटर लंबी है। उस सुरंग के हम इस पार आ चुके हैं। अभी जिधर हम जा रहे हैं ऊपर से ट्रेन आएगी, वो भी इधर ही जाएगी। ट्रेन अभी ऊटी से नीचे आ रही है, ट्रेन आएगी तो उसका वीडियो बनाएंगे। अभी सुरंग का हम बैक हिस्सा देखते हैं। ये देखिए इस सुरंग का बैक हिस्सा है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। ये पटड़ी के बीच में जो चैन है, इस चैन के ऊपर सामने से आती हुई ट्रेन का इंजन। ट्रेन तो वैसे दो पटरियों पर चलती है, लेकिन यहाँ की ट्रेन का इंजन दो पटरियों के बीच में चैन के ऊपर एक इंजन की गरारी है, उससे कनेक्टेड है, जो इस चैन के ऊपर चलती है। वो यहाँ की तीखी ढलान को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। भारत में यह चैन और पुली वाला सिस्टम सिर्फ यहाँ ऊटी की नीलगिरी रेलवे में है, इसके अलावा भारत में कहीं नहीं है। दुनिया में इस तरह का चैन और पुली वाला सिस्टम कई जगह है, जहाँ पर पहाड़ों में बहुत तीखी ढलान पे उतरने और चढ़ने के लिए इस प्रकार की गरारी सिस्टम की आवश्यकता होती है। जिस सुरंग को मैं पैदल पार करके आया था, ये ट्रेन अब उसी ओर जा रही है, नीचे मेट्टू पालियम की ओर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी ढलान है। थोड़ी देर में ही हमारी पूरी ट्रेन नीचे ढलान में चली गई। यहाँ से आगे कुन्नूर तक मैं पैदल ही गया था। ये मैं कुन्नूर फाटक के पास पैदल चलता चलता पहुँच गया, जहाँ पर जाकर मुझे ये स्टार्टिंग पॉइंट मिला, इस बंद फाटक के जस्ट पास में। कुन्नूर स्टेशन पे यह चैन सिस्टम नहीं है, वो फाटक के इस साइड ही रह जाता है। ये ध्यान से देखिए, पिनियन लॉक है जो इंजन के अंदर रहता है। नीचे चैन, ध्यान से देखो, नीचे चैन है और ऊपर इंजन के अंदर ये गरारी है। वो ये गरारी सिर्फ कुन्नूर स्टेशन के बाद जो फाटक है वहाँ से हिल ग्रोव स्टेशन के बीच तक ही काम करती है। कुन्नूर से ऊपर ऊटी तक यह चैन सिस्टम नहीं है। कुन्नूर से ऊटी के लिए दो विशेष ट्रेन चलती है। एक ट्रेन नीचे मेट्टुपालयम से कुन्नूर होकर ऊटी तक है, जिसमें ऑनलाइन आरक्षण कराया जा सकता है। और अगर आपके पास ऑनलाइन आरक्षण नहीं है तो आप कुन्नूर आकर मेरी तरह यहाँ पर 1 घंटा पहले आप खिड़की पर पहुँचिए और आसानी से टिकट लीजिए। मैंने भी यहाँ इस ट्रेन को तसल्ली से देखने के लिए 1.5 घंटा पहले स्टेशन पहुँच गया था। मैं इन डिब्बों को देखता हुआ आराम से टिकट लेकर अपनी सीट पर बैठ गया था। जो ट्रेन ऊटी से डायरेक्ट मेट्टुपालयम जाती है, उसमें ऑन द स्पॉट टिकट मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ इस रेल के डब्बे केबिन के रूप में बटे हुए हैं। अब देखिए हमारी ट्रेन कुन्नूर से ऊटी की ओर चल चुकी है। यह थोड़ा जिग जैग टाइप में है, स्टेशन से सीधे ही ट्रेन आगे नहीं जाती, थोड़ा बैक लेती है, उसके बाद फिर जिग जैग के रूप में आगे ऊटी के लिए चढ़ती है। यहाँ से ऊटी की तरफ ट्रेन बहुत शानदार दृश्य दिखाती है। जब ट्रेन ऊटी की ओर जाती है तो कई सुरंगें आती हैं। ये देखिए,
लगभग 100 मीटर से ऊपर की सुरंग है। सुरंग में अंधेरा होता है तो हो हल्ला होना आवश्यक है। ये देखो हम ऊटी आ चुके हैं। ऊटी बोले तो उदक मंडलम। चलिए अब हम वापस नीचे मेट्टुपल्लम की ओर चलते हैं। ये देखिए ध्यान से हमारे ट्रेन के अंदर किसी सड़क के फाटक को और ब्रिज से हमारी ट्रेन पार कर रही है और इसके तुरंत बाद एक नदी को एक पुल के द्वारा हमारी ट्रेन पार कर रही है। नीचे ध्यान से देखिए पानी बह रहा है और इसी से थोड़ा सा आगे एक जंगल में हमें एक यहाँ का जंगली भैंसा बाइसन दिखाई दिया था जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया, केवल फोटो खींच पाया था। यह कुन्नूर फाटक आ चुका है। कुन्नूर फाटक पार करते ही ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकती है क्योंकि इस फाटक के जस्ट पार करते ही गरारी सिस्टम आरंभ होता है। इंजन के नीचे लगा गरारी और सड़क में लगी चेन से उसको कनेक्ट करते हैं। यह वही फाटक वही जगह है जहाँ से मैंने खड़े होकर जाती हुई ट्रेन की वीडियो बनाई थी। अब ट्रेन के अंदर बैठकर उसी जगह की वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं खड़ा था जब मैंने इस ट्रेन की वीडियो बनाई थी। अब सामने वो सुरंग आने वाली है जिस सुरंग को मैंने पैदल पार किया था। यहाँ बहुत तीखी ढलान है इसलिए इंजन को ट्रेन का प्रेशर रोकने के लिए गरारी की मदद लेनी पड़ती है। ये देखिए अब हमारी ट्रेन उसी सुरंग में प्रवेश कर चुकी है जिस सुरंग को मैंने पैदल पार किया था। इस सुरंग को पार करने के बाद बहुत शानदार नदी है। कभी भी आओ तो ट्रेन बस से इस जगह रुक के यहाँ का थोड़ा अवलोकन करें उसके बाद आगे ऊटी के लिए जाएं। बहुत अच्छी जगह है। यह सुरंग पार करते ही बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है घाटी का। ये वही गरारी सिस्टम है। ये आखिरी पॉइंट है हिल ग्रोव नाम का स्टेशन है जहाँ पर यह लगाया गया है। यहाँ पर ये एंड हो जाता है। इसके बाद पटड़ी के बीच में गरारी नहीं है। यहाँ पे गरारी सिस्टम हटाने के बाद ड्राइवर महोदय इंजन की जाँच कर रहे हैं। ये देखिए भाप का इंजन है, स्टीम इंजन है। ये हिल ग्रोव रेलवे स्टेशन है। यहाँ के आगे बहुत ढलान नहीं है। मेट्रोप्लान तक लगभग हल्की हल्की ढलान है जिस पे चैन सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारी ट्रेन हिल ग्रोव स्टेशन को बाय बाय कर रही है। स्टेशन थोड़ा पार करते ही वही पहाड़ी नदी एक बार फिर आती है और आखिर में हम मेट्टुपल्लम पहुंच जाते हैं। मेट्टुपल्लम हमारी ट्रेन सवारियों को उतारने के बाद अपने यार्ड यानी अपने रात्रि विश्राम स्थल में वापस लौट रही है। जब मैं ऊटी जाने के लिए आया था तो कोयम्बटूर से मेट्टुपल्लम तक मैं ट्रेन से पहुँचा था और मेट्टुपल्लम से कुन्नूर तक मैंने बस पकड़ी थी। मेट्टुपल्लम स्टेशन से ऊटी जाने वाली जो बसें मिलती है वो स्टैंड लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऊटी आए तो एक नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यादगार स्मरण यात्रा अवश्य करें दोस्तों।